तो प्यारे बच्चों, ये जो आपकी वीडियो है, इस वीडियो में आप सीखेंगे किसके बारे में, ई एफ आई के बारे में। तो बेटा, ई एफ आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है बेटा, इसके बारे में समझना है। अभी आप एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं हम ई वेक्टर से, और ये एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है बात, ध्यान समझिएगा। अब जैसे बेटा हमने फोर्स निकालना सीखा है कि मान लीजिए एक 2 कूलाम चार्ज है, इस 2 कूलाम चार्ज के सामने एक 3 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, तो 2 कूलाम चार्ज क्या करेगा, और ये मान लो 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो 2 कूलाम चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को ऐसे धक्का मारेगा। तो इसको धक्का मारेगा तो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा F। तो ये फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, K Q1 Q2 / R² कूलाम्स लॉ वाले लेक्चर को आप देखना, उसमें पढ़ा रखा है आपको। तो K का तो K, Q1 कितना है बेटा 2, Q2 कितना है बेटा 3 / कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 3 × 2 = 6 और ये कट जाएगा, तो 6/4 के किसके वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये तो था, ये फोर्स था बेटा 2 कूलाम के कारण 3 कूलाम पर। अगर मान लो मैं निकालूं बेटा 2 कूलाम के कारण 1 कूलाम चार्ज पर फोर्स, ठीक है, और ये मान लो डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है मान लो कितनी, 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा K 2 × 1/2 = 4। तो बेटा ये जो फोर्स लगता है, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है 1 कूलाम चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इस फोर्स को कहा जाता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बात। तो आप इसमें इस सेकंड वाली कंडीशन को ध्यान समझना कि जब कोई भी चार्ज के कारण 1 कूलाम चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब भी बेटा आपसे पूछा जाए कि किसी चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, तो आपको क्या करना है, उस चार्ज के कारण 1 कूलाम चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है 4 कूलाम चार्ज के कारण 2 मीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पे मान लूंगा 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, वो फोर्स के इक्वल होगी। कौन सा फोर्स, जो 1 कूलाम चार्ज पे लगता होगा। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, K Q1 Q2 / distance यानी 2 का स्क्वायर हो गया, तो फोर्स कितना आ गया, 4K / 4 यानी कि K। तो ये होगी बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बात। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, या एक्टिंग ऑन वन कूलाम चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है बात भी, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे मान लो मैं कहूँ बेटा 5 कूलाम चार्ज पर फोर्स लग रहा है मान लो 50 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन। तो 1 कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा बेटा 50/5 यानी कि बेटा 10 न्यूटन लगेगा। 1 कूलाम पर 10 न्यूटन लगेगा, 2 कूलाम पर 20 लगेगा, 3 पर 30 लगेगा, 4 पर 40 लगेगा, तभी तो 5 पर 50 लग रहा है। इसी तरह मान लो अगर मैं कहूँ बेटा क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है एफ, तो बताओ 1 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, सोच के बताओ। 5 पर फोर्स लग रहा है 50, तो 1 पर लगा 5/50, 5/50/5। तो क्यू पर एफ, तो 1 पे फोर्स लगेगा बेटा कितना, F/Q। तो यानी ये किसकी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बेटा F/Q। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E = F/Q। और एक अदर फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं, E = होता है बेटा V/D। ठीक, इसका मतलब तो हो गया V/m, ये यूनिट होती है इसकी, और इसका मतलब हो गया बेटा N/c। क्लियर है बात। चलो देखो, ध्यान समझकर एक एक बात समझते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग अपन। जैसे इसमें दे रखा है सबसे पहले बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मतलब होता है बेटा प्लस का 1 कूलाम,
तो 1 कूलम चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो 1 कूलम चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाता है। अब ध्यान रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लग रहा है तो बेटा इक्वल होगा किसके, एफ अपॉन क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और बेटा अपने पास में ये जो वेक्टर फॉर्म है इसका होगा इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है यूनिट ऑफ ई, तो ई की यूनिट होती है बेटा न्यूटन अपॉन कूलाम और वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। और ये ई का क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, इसको आप निकालना सीख लें, अपन ने इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर वीडियो भी बना रखा है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात, छोटी सी बात समझना बेटा, छोटी सी बात देखो इस बारे में है बेटा कि जैसे मैंने आपको बताया ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है फोर्स ऑन 1 कूलाम। तो जैसे अगर आप आपसे पूछो कि 1 कूलाम पर फोर्स लग रहा है ई, तो 2 कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, 2E, 3 कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, 3E, 4 कूलाम पर कितना फोर्स लगेगा, 4E, क्यू पर कितना फोर्स लगेगा, बोलो क्यू पर कितना लगेगा, QE, कितना लगेगा QE, तो दैट इज द फोर्स, यानी F इक्वल किसके आ गया, QE के। और F इक्वल अगर बेटा QE के आएगा, समझना बेटा ध्यान से, अगर बेटा जी F, एक सेकंड रुको आप, हाँ अब देखो, अगर बेटा अपने पास में F इक्वल आ गया किसके, QE के, तो डेफिनेटली E किसके इक्वल होगा, F अपॉन Q के इक्वल होगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है बेटा, ये वाली बात कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बात समझना, नेक्स्ट बात जैसे अपन लेते हैं एक फॉर्मूला, ठीक है, समझिए ध्यान से आप। जैसे अब इसमें इसके बाद हेडिंग आती है आपकी, देखो ये इसके एक ही बात हो, जैसे एक दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ठीक है, समझिए ध्यान से। हाँ भाई, जैसे देखो आपको एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, तो नोट में क्या दे रखा है इसने, ए चार्ज विच इज यूज्ड टू चेक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो बेटा एक टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने का काम करता है, क्लियर है बात। जैसे मान लो मुझे कहीं पे चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो वहाँ मैं टेस्ट चार्ज रख दूंगा, तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा, और उस फोर्स की हेल्प से हम क्या बता पाते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। टेस्ट चार्ज बेटा एक ऐसा होना चाहिए नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा टेस्ट चार्ज और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो दूसरे के इफेक्ट को खुद फील नहीं कर पाएगा, वो दूसरे को ही अपना इफेक्ट फील कराएगा। तो अब ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज जो है वो बेटा नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए, खुद बिल्कुल जीरो सा वैल्यू का होना चाहिए। इसलिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलाम चार्ज को ही किसकी तरह काम में लेते हैं बेटा, टेस्ट चार्ज तरह काम में लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने जो 1 कूलाम वैल्यू वाली फोर्स होती है उसी को बेटा अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। जनरली 1 कूलाम से ही जो है मेजरमेंट करते हैं। मान लो आप सब्जी मंडी में गए, आलू ले रहे हैं, तो बोलते हैं आलू कितने रुपए किलो, तो आलू कहेगा आलू भी 20 रुपए किलो। इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलो 20 रुपए के हो गए। तो सेम टू सेम है कि 1 किलो यानी 1 से ही वैल्यू स्टार्ट हुई ना, तो इसी तरह से बात होती है कि 1 कूलाम चार्ज को ही अपन टेस्ट चार्ज की तरह काम में लेते हैं, इसी से अपन चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, सेकंड बात लिख रखी है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज यूज्ड एज टेस्ट चार्ज। कोई पूछ ले भी अदर चार्ज ले सकते हैं, भी ले सकते हैं 2 कूलाम 3 कूलाम ले सकते हैं, लेकिन उससे फिर क्या एरर आ जाएगा, तो उससे सही टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब जैसे अपन ने पढ़ाया भी कि एफ इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू। देखिए बेटा एक सेकंड रुकिए आप, तो भी अब देखो जैसे इसमें आपको दे रखा है कि अपन ने पढ़ा एफ इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ किसके इक्वल हो गया, एफ हो गया क्यू ई के इक्वल, ठीक है। अब देखो जैसे आपको एक छोटा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है, एक अगर आपके पास दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर, ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। और इसका मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों वेक्टर का, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इक्वल लगा हुआ है दो वेक्टर के बीच में, तो इसका मतलब डेफिनेटली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन अगर एक का साइन प्लस का है और अगले का साइन भी प्लस का ही है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मतलब डायरेक्शन भी सेम होगी। लेकिन
अगर दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो इस कंडीशन में इक्वल तो है यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक तो पॉजिटिव कर एक नेगेटिव हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही होता है बेटा किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में। ठीक, कि हमने पढ़ा भी एफ जो है वो किसके इक्वल है, एफ इक्वल है भी क्यू ई के इक्वल, ही हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब जैसे अगर बात करो फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में एफ किसके इक्वल होगा, भी पॉजिटिव क्यू ई के इक्वल होगा। और अगर आप बात करो फॉर नेगेटिव चार्ज, तो भी एफ किसके इक्वल होगा, नेगेटिव क्यू ई के इक्वल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एफ इक्वल टू पॉजिटिव क्यू, इसका मतलब क्या है, भी देखो एफ भी पॉजिटिव का और ई भी पॉजिटिव का है, मतलब एफ और ई जो दोनों हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसमें होंगे दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन अगर आपके पास दिया हुआ है एफ इक्वल टू माइनस क्यू, इसका मतलब F तो पॉजिटिव का लेकिन E किसका हो गया बेटा, नेगेटिव का हो गया। तो इसका मतलब जो अब आपका देखो F पॉजिटिव और E नेगेटिव का, तो इसका मतलब बेटा F और E जो दोनों के दोनों हैं ये किस में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है, जैसे इसके लिए आपको देखो डायरेक्शन दिखा रखी है, कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किस साइड में, राइट साइड में। ठीक, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, तो फोर्स भी किधर लगेगा, फोर्स भी राइट साइड में लगेगा इस पर। लेकिन नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। तो आप ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात देखिए, नेक्स्ट जैसे टॉपिक दे रखा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है अगर आप इसको सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन के थ्रू कैसे, कि हमने पढ़ दिया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज, फोर्स ऑन वन कूलम चार्ज। अब जैसे मान लो मुझे निकालना है क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा, तो फोर्स निकाल लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ मान लेता हूँ वन कूलम चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स किसके इक्वल होगा अभी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स कितना आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल है, तो ये भी कितनी आएगी बेटा, ये भी आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वन कूलम चार्ज पर जो फोर्स होता है वो कितना होता है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही होता है। क्लियर है बात, तो इसी का प्रूफ आपको समझा रखा है अलग तरीके से, दो तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, कि एक पॉइंट चार्ज लेट मान लो क्यू इज ए पॉइंट चार्ज, क्यों एक पॉइंट चार्ज है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, हमको पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है और हमको डिस्टेंस आर पे निकालनी है उस क्यू चार्ज से। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू फिगर डायग्राम, देखो डायग्राम दिखा रखा है वो स्क्रीन पे, कि भी ये क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। देखो हमने क्या किया, कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी पुट ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट, हमने क्या किया यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, और मान लो चार्ज कितना है क्यू नोट है, वन कूलम भी रख सकते हैं क्यू नोट, कोई दोनों बात एक ही है। ठीक, अब मान लो इस क्यू नोट चार्ज पर फोर्स लग रहा है कितना एफ, तो ये फोर्स का फॉर्मूला कूलम फोर्स निकाल लेंगे हम, तो एफ किसके इक्वल होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, वन आ गई। ठीक है, फिर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, तो पी पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ई, हमने पढ़ाया भी इक्वल एफ अपॉन क्यू होता है, और यहाँ भी क्यू नोट है तो एफ अपॉन क्यू नोट होगा, एफ की वैल्यू उठा के भी यहाँ पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन वन ई किसके इक्वल होगा, एफ की वैल्यू पुट कर दी और क्यू नोट क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ई कितना आ गया अभी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैंने अभी आपको समझाया तो वो भी यही रिजल्ट आया था, आप दोनों में से कुछ तरीका अप्लाई कर सकते, दोनों तरीके बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, E प्रोपोर्शनल किसके आ गया बेटा, वन अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, ये वाला रिलेशन ध्यान रखना, ये ग्राफ ध्यान रखना, आप R में ग्राफ बनेगा ऐसे, वन अपॉन ग्राफ बनेगा ऐसे, ये आ गया क्या इसका वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे लगेगा R कैप। ठीक है, फिर आ गया हेयर R कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग E वेक्टर। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम चार्ज, बहुत सारे चार्ज दे रखे हैं आपको, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज के कारण निकालते हैं अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मान लो एक सिस्टम इज फॉर्म्ड बाई एन चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एन, उनके पोजिशन वैक्टर दे रखे हैं आपको आर वन आर टू आर थ्री आर एन रेस्पेक्टिवली। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑफ पोजिशन वैक्टर आर नॉट ड्यू टू चार्जेस
तो अब देखो जैसे चार्ज दे रखे हैं Q1 Q2 Q3N, अब मान लो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, Q2 कारण है E2, Q3 कारण E3, Qn के कारण है EN, तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैसे निकलेगा, उन सबका कर दो वेक्टर एडिशन, तो इक्वल होगा E1 प्लस E2 प्लस EN, सबके वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा, ये इसमें ग्राफ बन गया अपना, ठीक है बात। अब जैसे आ गया कि क्वेश्चन आ गया एक छोटा सा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है 2.25 न्यूटन एक चार्ज 5×10⁻⁴ कूलम पर, और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, बहुत आसान चीज़ हो गई, कर देंगे इसको भी सोल्व। अगला क्वेश्चन भी देख लो, इन गिवन फिगर देयर आर 4 पॉइंट चार्जेज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, साइड ए है स्क्वायर की और उसके सभी कॉर्नर पर चार चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, और इक्वल चार्ज है सारे के सारे। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, एट पॉइंट ओ, तो उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। देखिए पहले का आंसर, देखिए पहले क्वेश्चन में फोर्स दिया था, चार्ज दिया था, हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बाय चार्ज एफ बाय क्यू, ठीक है, तो ई किसके इक्वल होगा बेटा 2.25/5×10⁻⁴, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो स्क्वायर दिया हुआ, तो स्क्वायर बना दिया, सब पर चार्ज रख दिया, एक पर क्वेश्चन में ही डायग्राम दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, और चार्ज जो है सेम नहीं है, एक जगह चार्ज रखा हुआ है बेटा -2Q का, एक जगह +2Q, एक जगह क्यू, एक जगह -Q, ये चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने मान लो सेंटर पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमने मान लिया बेटा EA ये पहले पॉइंट का कारण है, EBB वाले कारण, EC से ये कारण, EDD कारण। अब आपको पता है प्लस से तो क्या होती है, मैंने बताया था आपको पिछले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक लाइन वाले लेक्चर में, प्लस से डायरेक्शन होती है अवे और माइनस की होती है टूवर्ड, ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर देखना उसमें समझा रखा है पूरा ये। अब जैसे देखो ये -2Q, इस डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड होगी, तो ये हो गई बेटा डायरेक्शन टूवर्ड। ऐसे ही देखो प्लस का है तो प्लस के कारण अवे होगी, ये देखो अवे डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये माइनस का है तो माइनस के कारण टूवर्ड होगी टूवर्ड, ये प्लस का है तो प्लस कारण अवे, ये प्लस का है तो प्लस कारण क्या होगी, अवे हो गई, सबको सोल्व कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी देखो इक्वल टू KQ/R², तो EA निकाला, लेकिन पहले डायरेक्शन डिस्टेंस ये होगी, देखो बहुत आसान चीज़ है, समझना ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये भी कितनी है ए, तो ये कितनी होगी, ये बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें वो लगाओगे आप हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, फिर पूरी डिस्टेंस कितनी आएगी, पूरी डिस्टेंस आएगी बेटा √2a, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी ये है भी, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस है बेटा √2a का हाफ, √2a का हाफ होता है कितना बेटा a/√2, कितना होता है a/√2, तो ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस होगी सारी की सारी, कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक।